मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजभवन पहुंची, जहां उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीलम देवी ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के बाद से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सांसद लल्लन सिंह और मंत्री नीरज कुमार पर परेशान करने का आरोप लगाया। नीलम देवी ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए ये कहा कि उनके पास कोई गार्ड नहीं है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। एएसपी लिपि सिंह पर भी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीलम ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद से लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है और एएसपी लिपि सिंह भी सरकार के दबाव में ही काम कर रही है। सब सारी बातें हमने महामहिम को बताई और जिस तरह से बिहार सरकार हमको परेशान कर रही है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग कोई भी हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय महामहिम से मुझे उनकी बात से मुझे संतुष्टि हुई कि वो जरूर हमारे साथ न्याय दिलवाएंगे। लिपि सिंह, जो लिपि सिंह अभी बनती है लेडी सिंह, हमारे घर में आके आप लोग को पता ही होगा कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ दी और हमारे जितने भी नौकर थे, स्टाफ थे, जो भी सर्वेंट लोग थे, सबको बोली कि आतंकवादी है, इसको पीटो। गोपालगंज में अवैध शराब से लदी